हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी महासंवाद की, तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इस महासंवाद से बात बनेगी, क्योंकि मिशन 2019 की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं और चुनाव को देखते हुए हरियाणा के अंदर भी सियासी हलचल बढ़ चुकी है। बीजेपी महासंवाद के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, यानी 2019 का जो पूरा मिशन है वो आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला जबरदस्त नजर आ रहा है। मिशन 2019 के लिए पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी भी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए देश भर के 15,000 स्थानों पर एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महासंवाद किया। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि परीक्षा की खड़ी है, हमें पहले से ज्यादा काम करना है, घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करें और लाभार्थियों से मिलें। मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा, क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं हरियाणा में कई जगहों पर भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के नेता शामिल हुए। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महासंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम विश्व में अब तक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा पर्व और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो पर्व आज हो रहा है, ये आज तक का इस प्रकार का अपने आप में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के 15,000 स्थानों के ऊपर इसी प्रकार का कार्यकर्ताओं का एक संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री करेंगे। जहां बीजेपी महासंवाद के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं बाकी पार्टियां भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस हलचल के बीच कई समीकरण भी बन रहे हैं और दिग्गज नेताओं की मुलाकात हो रही है। दिल्ली में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की गुप्त मुलाकात हुई। इस मुलाकात से प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा विशेष प्रभाव रखते हैं। इस मुलाकात में खास बात यह है कि सुखबीर बादल ने इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। अकाली दल भी हरियाणा में चुनाव की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब 2019 के लिए बिसात बिछ रही है और कई नए समीकरण भी बन रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां अपना अपना दाव चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बात यही है कि महासंवाद से क्या अब बात बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पर काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम तो शुरू किया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन क्या वाकई में मजबूती इससे भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगी? और क्या दूसरे दलों की राजनीति है, क्या उनकी नीति है और किस नीति के तहत वो इन चुनावों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जरा उस पर एक नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता यशवीर राघव जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले यशवीर राघव जी, क्योंकि आपकी नीति रही है, आपने पहले भी कहा और इससे पहले भी जितने कार्यक्रम होते रहे, बूथ को मजबूत करने की बात आपने की और इसी के लिए ही आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जब प्रधानमंत्री 15,000 अलग अलग जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले उनका कहना यही होता है कि आप अपने बूथ को मजबूत कीजिए। तो बूथ की नीति आपकी क्या है और आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि बूथ यदि मजबूत होगा तो पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा और कार्यकर्ता बने रहेंगे साथ में? पार्टी की बात नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल है अगर उसका बूथ मजबूत है तो अपने आप में ही उसका फायदा उसको मिलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने सेंट्रो में कहा कि भी राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में लगी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 27 मई 2014 से ही अगले चुनाव की तैयारियों में लग गई थी। जब उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद हमारा हर कार्यकर्ता फिर से तैयारियों में लग गया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योजनाओं को घर घर तक, गरीब लोगों तक, किसानों तक, युवाओं तक, महिलाओं तक पहुंचाया है, उससे अपने आप तो हाल ही में कई राज्यों के अंदर जो चुनाव भी हुए तो वहां हार हुई, तो यानी कि यह सफलता भी रही। नहीं, चुनाव होते हैं तैयारी में जो आपने चुनाव होने के तुरंत बाद से, अगर आप हरियाणा को छोड़ दें और उसके बाद जब दूसरे राज्यों के अंदर जिस तरीके का वर्तमान में देश के 19 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, आप तीन राज्यों को, आप ये भी तो समझे कि नुकसान तो हुआ है, सिर्फ संख्या पहले ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की। दोबारा बोलेंगे क्या कहा आपने? मैं यही कह रहा हूं कि देश भर के अंदर जो जिन राज्यों की आप गिनती कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके गठबंधन साथी सहयोग के साथ चलने वाली सरकारों की संख्या इससे पहले ज्यादा थी, पांच राज्यों के चुनाव। मैं वही कह रहा हूं कि यानी कि पतन तो हुआ ना, चार से उन्नीस आए हैं, तीन राज्यों में चुनाव हारे हैं, सबने स्वीकार किया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हारे हैं वो भी आपको पता है। एक प्रदेश में पिछले 15 सालों से जहां हम सरकार चला रहे थे वो हम हारे हैं, और किस स्थिति में हारे हैं स्वीकार तो कीजिए, यदि जीत होती है तो स्वीकार करते हैं बड़े दिल के साथ, यदि हार हो रही है, चुनाव हार जीत तो एक पक्ष होता है राजनीतिक पक्ष। मैं वही कह रहा हूं जी, मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि चुनावी हार जीत एक पक्ष होता है, लेकिन मैंने कहा कि 27 मई 2014 से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में लग चुका था, उसने परिणाम दिए हैं। और आज जो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम 2016 से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी लगातार अलग अलग प्रदेशों में करते आ रहे हैं। आज सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं से, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से किया है, लेकिन इसके अलावा कभी प्रदेश स्तर पर, कभी जिला स्तर पर लगातार अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यक्रम किया। माननीय रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, वो भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लगातार करते रहे। और दूसरी बात, बूथ मजबूत होगा तो वाकई में हर राजनीतिक पार्टी का फायदा बूथ से ही होता है। जब बूथ हमारा मजबूत होगा, एक बूथ जीतेंगे तभी हम 100 बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे, अगर बूथ ही हार जाएंगे तो क्या जीत मिलेगी हमें जी। लेकिन एक चीज और है यशवीर जी, क्योंकि हाल ही में जब बजट सत्र के अंदर आखिरी दिन जब इस बात को कहा गया कि हरियाणा की सरकार जो विपक्षी खेमा है उनकी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी विकास करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया, तो क्योंकि इससे पहले ये आरोप लगते रहे कि सरकार ने समान रूप से विकास नहीं किया, लेकिन इस बयान के बाद और ये कदम उठाने के बाद अब ये माना जाएगा कि विपक्षी खेमा सरकार की तारीफ करे या कम से कम ये तो कह दे कि हाँ जी साथ दिया है। देखिए, आप एक बात को समझिए, जो राजनीतिक पार्टियां उनकी मजबूरी होती है कि अपनी विपक्षी पार्टियों की तारीफ नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। आप जनता के, आम जनता के बीच में जाएंगे, जब आप देखेंगे जिस प्रकार से ग्रुप डी में बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी चेक, बिना किसी जैक के लोगों की भर्तियां हुई है, उसके बाद आप आम जनता में जाके आप अपने पत्रकारों को भेजिए और उनसे अपना फीडबैक लीजिए कि क्या स्थिति है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई जो विधायक जीत कर नहीं आए, जो विपक्षी पार्टी के विधायक है उनमें भी हम अलग से फंड है, वो अलग से फंड का विषय नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि उनको भी बराबर समान स्तर पर उनके क्षेत्र में भी विकास कार्य किए जाएं। और आप देख भी रहे, हमारे साथ ही इनेलो के कार्यकर्ता बैठे हैं, जिस प्रकार से जाकिर हुसैन जी के क्षेत्र में जाकिर हुसैन जी ने खुद तारीफ भी की थी कि मुझे जितना मैंने फंड मांगा गया मुझे मिला।
तो इस राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटें जीतती हैं, अपने अपने विधायक होते हैं, लेकिन जब सरकार होती है वो पूरे प्रदेश की सरकार होती है। मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश की सरकार होती है, हर राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है जीतने के बाद चुनाव तक। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ये कि इसको हम दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं, 400 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं को मंजूरी आपकी तरफ से दी गई, तो ये माना जा रहा है कि विपक्षी खेमे के जो किला है उस किले को ध्वस्त करने के लिए, वहां पर घुसने के लिए ये कोशिश है। ये देख, किला ध्वस्त करना, आपने पहले कहा कि विपक्षी पार्टियां तारीफ करेंगी या नहीं करेंगी, ना किला ध्वस्त करने का विषय है ना विपक्षी पार्टियों की तारीफ लेने का, विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में सरकार बनाई है, विकास करने के लिए बनाई और उस लगातार उसके नाते से विकास कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हो, अपना जिस दायरे में वो विकास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र को ना तो क्षेत्रवाद के अनुसार देखते हैं कि मैं इस क्षेत्र से विधायक हूं या सांसद हूं या भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो नहीं, ये आरोप लगते रहे हैं अन्य पार्टियों में, ये आरोप लगते रहे हैं विधानसभा के भीतर, ये आरोप लगते रहे हैं। मनीष खटाना जी, ये आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर कि समान रूप से विकास नहीं किया? समान रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप नहीं लगाए, पिछली पार्टियों पर ही लगाए। चलिए पूछ लेते हैं, मनीष खटाना जी जवाब दे देंगे। विकास की बात करें तो मेरे ख्याल से हरियाणा में 63% से ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव देता है, और गुड़गांव में अगर विकास की बात करें, जहां हम बैठे हैं, मीडिया एनसीआर का मामला है, सबसे ज्यादा मीडिया यहां पर है और सभी देखते हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो मेट्रो रेल का एक आगे पिलर बढ़ाने का मामला हो, सड़कों का मामला हो, सीवर का मामला हो, चाहे जाम का मामला हो, एक दो तीन फ्लाईओवर जरूर बनाए थे, और वो फ्लाईओवर आपने देखा कि 2 महीने के अंदर अंदर फ्लाईओवर टूट गए, और जब बारिश आई तो लोगों ने बोट चलाई, तो ये तो विकास है। सिर्फ पैसे का गबन करके, पैसा वहां पर लगवा के कहां गया, किसकी जेब में गया? फरीदाबाद के निगम के कमिश्नर ने खुद कहा कि मेरे पास इतनी मोटी फाइलें थी जिनकी मैं जांच कर रहा था, जब मैं उस जांच में मैंने इन लोगों को पकड़ा, किस तरीके से वहां पर संलिप्त पाए गए वहां के नेता और जितने वहां पर गबन हुआ, जब मैं उस तहकीकात की आखिरी तक पहुंचा तो उस कमिश्नर का वहां से बदला कर दिया गया। तो ये उनको रिवार्ड दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात ना करें, सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है ना, कहती है कि हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। राघव जी, तो जीरो टॉलरेंस की बात कहां रही? अच्छा हुआ इन्होंने जिक्र गुड़गांव का कर दिया। 10 साल अभी सरकार इनकी रही, उससे पहले भी इनकी सरकार रही, और आज ये बात कर रहे हैं कि भाई पुल बनाए तो ये हो गया वो हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से पानी निकासी का जो नदी ब्रिज को बोलते हैं उसमें भी इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, प्लॉट काट दिए, रॉबर्ट वडेरा ने दुनिया भर की जमीनों पर कब्जा ला लिया। भ्रष्टाचार की बात करें, रॉबर्ट वडेरा और उनकी सासू जी और साले जी का आज ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है हेराल्ड केस के लिए, आपको ये भी ध्यान में होगा ना कि उनको बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। ये भ्रष्टाचार की बातें ना कीजिए, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है मनीष जी, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है मनीष जी। दूसरी बात की देन है कि हरियाणा को 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने का काम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4.5 साल के कार्यकाल में 4 पिलर भारतीय जनता पार्टी से नहीं खड़े हुए, ये 4 पिलर पूरा प्रदेश मनीष जी, मनीष जी पूरा प्रदेश देख रहा है ना, जमीन की चिल्लाने से मनीष जी, जनता आप सुनने का मादा रखिए ना, मैं मादा रख रहा हूँ। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया हुआ है ना आप लोगों ने, जिस साहब सुप्रीम कोर्ट के जज आज तक 70 साल में ऐसा नहीं हुआ जो बाहर आकर खुद न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि न्यायपालिका को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, दबाव देकर गलत काम कराए जा रहे हैं। आप ईडी सीआईडी और जितनी भी आप किए, आपने सारी कांग्रेस के पीछे लगा हो गया, आपने वहां क्यों सवाल हो गया है, 40 जब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ईडी कमाल हो गया, फेल हो गई, कमाल हो गया, सीडीआई काम नहीं कर रही, कमाल हो गया, कमाल हो गया, वाह वाह वाह। ये आपकी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी काम करती है, पूर्व सुबह उठते ही ये लोग कहते हैं कि तुम लोग कर क्यों नहीं रहे हो, रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कुछ किया है तो करते क्यों नहीं हो, सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में कुछ किया करते नहीं हो, शाम को जब सीबीआई ईडी कार्रवाई करती है कहते हैं कि बदला ले रहे हो। ये स्थिति समझ सकते हैं, मनोस्थिति समझ सकते हैं, देश की जनता देख रही है। देखा जवाब दे दिया, सरकार जवाब दे दिया, 350 मारे हैं,
350 मारे जवाब दे दिया है देश की सेना ने। इस बात का राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, ठीक है। जरा राजनीतिक मुद्दा बनाने के कारण राहुल गांधी के बयान ये मनीष कटारा जी और हमारे भाई यशवीर जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, आप विश्वास करेंगे राहुल गांधी का बयान बाकायदा पाकिस्तान की खबरें बना हुआ है कि देखिए राहुल गांधी जी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। अरे यार वो देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। जरा जरा मैं ये चाहूंगा प्लीज ट्विटर पे प्लीज चलाते हैं मनीष कटारा जी, मनीष कटारा जी और यशवीर जी प्लीज इस विषय को थोड़ा सा ना छुए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मनीष कटारा जी, प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये आज विषय हमारा बहुत अलग है और ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम उस तरफ ना जाएं, ठीक है। ठीक है सुखबीर तरफ जरा आगे बढ़ जाते हैं। सुखबीर तवर जी, ये जो हम कह रहे हैं कि आज 400 जब कल देखा गया क्योंकि बजट सत्र के जब आखिरी दिन सरकार की तरफ से कहा गया कि जो विपक्षी खेमा लगातार ये कहता रहा कि उनके इलाके के अंदर सरकार ने विकास का काम नहीं कराया है, 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी, इसको विपक्षी खेमा या फिर आपका दल आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? शुभेंदु जी, जिस प्रकार से इन्होंने दूसरे दलों के जहां से विधायक है उनकी जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आपके ही इस चैनल पे सबने देखा था पटौदी की विधायक ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी विकास की बदिया उखेड़ी थी, वो सबने देखी थी। तो ये इन भाई को भी अंदाजा होगा इस बात का, तो ये बेफिजूल का झूठा सरे ना लें। दूसरी बात, जो ग्रुप डी का ये भाई साहब अभी कह रहे थे, तो MSc MTech आपने पानी पिलाने वाले लगा दिए, बहुत बड़े तीर मार दिए। दूसरी बात मैं करूं, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो गुड़गावा और फरीदाबाद की जनता का जो के साथ पर्यावरण की छेड़छाड़ का जो कार्य किया है और जिस प्रकार से भूमाफिया के दबाव में पेड़ों की कटाई का मामला है, ये क्या है? ये एक तरफ तो हम पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आप भूमाफिया के दबाव में पेड़ काटने की इजाजत दे रहे हैं, ये कैसा विकास है? ये गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर में ऑक्सीजन आएगी कहां से? बड़ा गंभीर विषय और लोग सामान्य आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं आज सामान्य आदमी मनोहरलाल जी से सवाल कर रहे हैं, तो ये विकास है कि विनाश है? ये करना क्या चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है? दूसरी बात, अभी जो विकास की बात, इन्होंने सिवाय 4.5 साल के करीब के शासनकाल में अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो सिवाय इन्होंने हरियाणा प्रदेश को जलाने का और कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से भाईचारे में टूट है वो सारा देश सारा प्रदेश देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भाईचारे का विखंडन किया है वो सारा देश देख रहा है। ऐसा कभी नहीं था जो इन 4.5 साल में हुआ है। अब जवाब मिलेगा इनको, 3-5-0 से तो अभी जवाब मिल गया था, अभी और मिल जाएगा, ठीक है। मैं जवाब ले लेते हैं फिर उसके बाद योगेश जी के पास चलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि विधायक हमारी पटौदी की, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, इंडियन नेशनल, वो सवाल विकास पे थे, वो विकास पे सवाल थे, यही आपके लोग यही आए थे आपके लोग जवाब देने। बड़े भाई सवाल उठाना सबके लोकतंत्र है, आप कह रहे हैं ना, लोकतंत्र आप कह रहे हैं, भाजपा आप कह रहे हैं, आपके विकास को आईना दिखा रहा हूँ, आप हल्का बार जो विकास की बात कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, अगर उन्होंने कुछ जवाब दिया है ना, जवाब दिया है ना कि विधायक को डंडो, दूसरी बात उन्होंने सवाल पूरे कर लिए, मैं पूरी जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि भाई तोड़ रहे देश, ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज भारतीय जनता पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी पार्टी दो फाड़ हो गई है, इनेलो दो फाड़ हो गई है, भारतीय दिख रहा है, देश प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से टूट रहा है, वो जनता नहीं टूट रही है, जनता में भेदभाव कुछ नहीं हो रहा है, उनके अंदर नहीं है, पार्टी टूट रही है, वो सबको दिख रहा है। तो इस बात का मत कहिए कि आप कि हम लोगों में विकास की बात है, विकास की बात में जवाब दे रहे हैं आप, विकास की बात किया, भूमाफिया को संरक्षित कर रहे हो, एक भूमाफिया का प्रश्न चिन्ह लग सकता जिस प्रकार इनेलो ने गुंडागर्दी करके शासन चलाया, कांग्रेस को जिस प्रकार तेज बोलने से कुछ नहीं होता, जवाब दे आप, नहीं चलिए ठीक है, ठीक है। प्रदेश प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ है, आपने कितने पेड़ लगाए, पेड़ कितने लगाए, चलिए ये ठीक है, ठीक है, जरा योगेश जी के पास चलते हैं, ठीक है, ठीक है यशवीर जी, ठीक है योगेश जी, एक चीज तो यहाँ समझ में आ रही है कि
सरकारें जितनी भी रही हैं कुछ ना कुछ तो राजनीति होती रही है, लेकिन विपक्षी खेमे के बीच जो बार बार ये नाराजगी रहती थी कि सरकार हमारे इलाके में विकास नहीं करवा रही है, 400 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार जब ये सरकार पर आरोप विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों तरीके से लगते रहे हैं, तो ऐसे में यहां सरकार का वाकई में ये खुले दिल से स्वागत यहां करना चाहिए कि विपक्षी खेमे के जो नाराजगी है उसको दूर किया गया, लेकिन या फिर दूसरा नजरिया ये भी है कि चुनाव से पहले जब ये बजट अंतरिम बजट पेश किया गया तो उसमें ऐसा प्रावधान करके क्या उस क्षेत्र को अपने लिए रास्ता एक बनाने के लिए तैयारी की जा रही है? देखिए मैं शुरू से जवाब दे दूं क्योंकि 15-17-20 मिनट लोग बोल चुके हैं। हमारा पहला कार्यक्रम तो इस पे है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो बिल्कुल क्लियरली मैं ये जानता हूँ, भाजपा के भाई ने भी वैसे ये बात मान ली है कि 2016 से ही ये, या जिस दिन 2014 ये जीते उस दिन से ही ये अगले चुनाव के लिए लग गए। मीन्स बाय के ये हमेशा चुनावी मोड में रहे हैं 2014 से लेके और आज तक। और मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक होती है सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, वो लोग चलाते हैं सरकार। और दूसरा होता है संगठन। संगठन आपका बूथ भी मजबूत करता है, अपनी पार्टी को भी मजबूत करता है, पार्टी को मजबूती देता है। लेकिन मुझे भाजपा की एक खास चीज लगी कि चाहे वो मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो कोई मौका नहीं चूकते अपनी उस बूथ को मजबूत करने के लिए और उस अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। अब प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे ख्याल में मान ही लेना चाहिए उन्हें तो कि ही इज ए पोस्टर बॉय नाउडेज हिंदुस्तान के जो है और भाजपा के, वो पोस्टर बॉय है आज के दिन। ये तो खैर उनके लिए आज अच्छी बात। आप कोई सा अखबार जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं कोई एक अखबार निकाल के मुझे आज तक का निकाल के दे दीजिए जिसमें मोदी जी की कोई तस्वीर ना छपी हो। कोई ना कोई वजह कुछ भी हो सकती है पर हमेशा हर रोज कोई ना कोई तस्वीर छपी है। मतलब ये कि वो अपना एजेंडा चलाने के लिए लगे हुए पहले दिन से। तो इन्हें मेरा बूथ मजबूत वाला कार्यक्रम की जरूरत नहीं थी तो, पर फिर भी ठीक है, इनके हिसाब से ठीक है, दूसरी पार्टियां भी करती हैं। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं, आपने जो ये मुझे 400 करोड़ के लिए जो बोला है ये हम बजट पे भी एक चर्चा कर चुके हैं। एक बजट होता है पास के भी हमने इतना 400 करोड़ ही मान लेता हूं मैं कि 400 करोड़ मैंने दे दिया एक्स एमएलए को, एमपी को, किसी को भी काम करने के लिए, लेकिन उसमें से एक्चुअल खर्च कितना होना है, आगे तक जाएगा कितना, आज फरवरी आ चुका है, आप नवंबर तक के लिए हैं, नवंबर में तो सरकारी बन जाएगी मेरे हिसाब से, तो आप सितंबर मान के चलो, एक दो महीना अगर हम वो लगा लें तो आपके पास 6 महीने या 8 महीने हैं, ठीक है। उन 6 महीने के अंदर कोई भी इतना इंटेलिजेंट या इतना इंटेलेक्चुअल या इतना समझदार मुझे कोई एमएलए या कोई मंत्री नजर नहीं आता जो 1 महीने में प्लानिंग करके और 6 महीने में वो पैसे खर्च कर दे, नंबर ठीक है। और उसके अलावा एक बात और बताता हूं मैं, भाजपा के मेरे मित्र बैठे हैं शायद इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, 3 साल तक ये इनके खुद के एमएलए और मंत्री इस बात पे नाराज रहे कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, और फिर इनके महासचिव जी ने बिठा के समझा के सबको जोड़ के कि भाई अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, अब तो सारे एक हो जाओ, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, उनको इस तरीके से सेटिस्फाई करके एक साथ जोड़ा है। उस जोड़ने के बाद ठीक है, अच्छी बात है, कवायद ठीक है, हर पार्टी में होती है वो, ठीक है, लेकिन उनका एजेंडा जुड़ने का क्या था वो मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं डेवलपमेंट की बात कर दूं, डेवलपमेंट जो है वो साइड बाय साइड चलती है, जैसे एक काम कांग्रेस ने या चौटाला जी ने कोई छोड़ दिया, जैसे अभी मैं स्वीकार करता हूं गुड़गांव के अंदर कुछ काम हुए हैं, अच्छे हुए बुरे हुए ये इनका आपस का मामला है, कांग्रेस का कह सकती है भी अच्छे नहीं हुए, भाजपा कह सकती है अच्छे हुए, ये कह सकते हैं जी उसके अंदर पानी भर गया और कश्तियां चलानी पड़ी, वो कहेंगे नहीं हमने आपने 10 साल में नहीं किया हमने कर दिया, वो ठीक है। तो वो जो, लेकिन जो दो प्रोग्राम चलते हैं, एक प्रोग्राम तो वो कि कांग्रेस छोड़ के गई, इन्होंने फ्लाईओवर बना दिए, दूसरा प्रोग्राम ये कि आप अगले कार्यक्रम के लिए अगर बीजेपी जीत के आती है तो भी, और बीजेपी अगर नहीं आती कोई और आता है तो उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या छोड़ के जा रहे हैं, पाइपलाइन में कोई काम होना चाहिए ना, जैसे आपने एक रिंग रोड बना दिया गुड़गांव का, दूसरा साइड बाय साइड चलना चाहिए। एक चीज जोड़ता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत जल्दी थी अपना जो ये कुंडली मानेसर वाला है इसका उद्घाटन करने की, उसका रीजन आप सोचिएगा,
वरना पॉलिटिकल लोग बैठे हैं बता देंगे, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो ऐसी चीजें कई आती हैं। तो वो उन्होंने इतनी जल्दी कर दिया कि आज के दिन उसकी वजह से वहां से लेके और गुड़गांव तक जाम लगता है। उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको बिल्कुल स्पष्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट का काम था वो था धनकोट का बाईपास बनाना। वो बाईपास अभी तक भी वहां रोड़ियां तक नहीं डली हैं, वहां कोई काम नहीं हुआ है जो कि इस गवर्नमेंट को उस फ्लाईओवर के चालू होने से पहले बनना चाहिए था। कुंडली मानेसर वाला जो स्टेट गवर्नमेंट की रफ्तार बहुत स्लो है। डेफिनेटली जो काम ऑलरेडी पाइपलाइन में वो तो होंगे ही होंगे, उन्हें तो ये रोकना चाहते तो भी नहीं रोक। काम बाकी था केएमपी का, वो तो वो सुनिए सबसे बड़ा काम होता है जमीन एक्वायर करना, वो कांग्रेस ने कर दिया था। उसके बाद उस पर रोड़ी डालना वो कर दिया था, पिलर वगैरह जहां फ्लाईओवर बनते हैं, अगर आपके पिलर बने हुए हो ना तो विद इन 24 आवर्स आप पूरा फ्लाईओवर बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में है आज के दिन। तो इसमें इन्होंने काम किया, वेरी गुड, बढ़िया किया, चालू कर दिया। लेकिन उसके साथ जो लोड वहां से निकलेगा, डाइवर्ट करेगा, वो स्टेट का काम कहां पे हो रहा है वो हुआ ही नहीं। ठीक है, जरा जरा जवाब भी ले लेते हैं। यशवी राघव जी क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आपने कहा कि पिलर्स खड़े थे तो 24 घंटे में सारा वो 2010-11 से पिलर खड़े थे। मैं आपको बता दूंगा, नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूँ कि इनकी गलतियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन उसके बाद नितिन गडकरी जी, अदरवाइज मत लो, आपकी बात का जवाब दे कह रहा हूँ कि हाँ इनकी गलतियां हैं, या इन्होंने काम छोड़े थे आपने पूरे कर दिए हैं, ये तो अच्छी बात है। आपकी बात का जवाब छोड़ के जाएंगे, आपकी बात जवाब दे रहे, छोड़ के जाएंगे नहीं, फिर से आएंगे, और आपको भी पता है इस बात का, फिर से आएंगे और ठोक बजा कर आएंगे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि भाई कुछ बाईपास वगैरह, देखिए काम रुक नहीं रहा है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परियोजनाओं का जिस प्रकार से काम, जिस गति से करा, आप खुद देखेंगे, आंकड़े निकालेंगे, मात्र 87 किलोमीटर पर डे कांग्रेस शासन में 10 सालों में पर डे किलोमीटर का निर्माण हुआ करता था, लेकिन अब 163। आप गूगल से सर्च कीजिए या किसी भी तरह से कीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कों का निर्माण हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कहीं कुछ कमियां रह रही होंगी, उसका भी निवारण किया जाएगा, निकारण किया जाएगा। अच्छा, एक चीज यशवीर जी, ये बार बार एक चीज का सवाल उठता है, मैं आता हूं दोबारा सवाल करो। ठीक है, मेरा सवाल है सिंपल, वो जाम लग रहा है, क्या कोई भी ऐसा आपके पास आदमी नहीं था जिसके समझ में ये आता कि जो लोड यहाँ से उतरेगा वो आगे जाएगा कहाँ? मैं देखो, मुझे धनकोट वाले बाईपास की जानकारी नहीं, फिर भी मैं इस बात को मैं बड़ा मजबूती के साथ कह रहा हूँ, अन्य जाम भी खुले हैं तो वो भी खुलेगा। आप देखिए ना, हीरो होंडा बाईपास पे क्या हालत रहती थी, राजीव चौक पे क्या हालत, भारतीय जनता पार्टी की योजना में दिक्कत थी, जो होंडा का जाम उस वक्त नहीं बना, ये आपके समय की परियोजना थी। वाह नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, ये उस वक्त की योजना में कमी थी, जो 15 साल झेला है, जो गुड़गांव ने 15 साल झेला है, ये आपकी योजनागत कमी थी। हाँ, रूपनगर से जो केएमपी का लोड पता ही नहीं करती है, जो पता नहीं है वो गुड़गांव के बीच में से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं समझ गया, देखिए जब आप केएमपी की बात कर रहे हैं, केएमपी पे भी तो लोड बढ़ा होगा ना, ये तो है नहीं कि अभी लग गया है जाम, केएमपी पे लोड बढ़ने की वजह से जाम लगा होगा ना। इसी दिन से, जिस दिन से आप इसलिए, मैं सिंपल से एक बात कह रहा हूँ कि अन्य निकारण हुआ है तो उस जाम का भी निकारण होगा। महासंवाद से क्या बात बनेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल जो है योगेश शर्मा जी की तरफ से पूछे गए थे। यशवीर जी, उन सवालों का जवाब का इंतजार है, जनता भी इंतजार कर रही है। तो योगेश जी ने सवाल किया था एक जाम को लेकर, मैंने उसका भी जवाब दिया था कि जब गुड़गांव के, फरीदाबाद के विभिन्न जाम हटाए गए तो उस जाम का भी निराकरण किया जाएगा। दूसरी बात क्या, पूरे देश भर में जिस प्रकार से सड़क परियोजनाएं प्रगति कर रही हैं, प्रदेश में कर रही हैं, तो हरियाणा में हो चाहे देश भर में हो, किसी भी सड़क को हर गांव से जोड़ने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसको पूरा करते हुए इस प्रकार के जामों का निकारण किया। ठीक है, चलिए जरा विकास की बात हमने कर लिया, ठीक है, मैं जरा आता हूँ योगेश शर्मा जी, जरा वापस हम विषय उसी पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन जैसा कि अभी योगेश जी ने भी कहा इससे पहले कि पार्टी के अंदर जो कुछ मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, उनकी तरफ से नाराजगी भी की गई थी, और ये सुखबीर जी ने भी कहा, इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया था कि पटौदी से जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया था, हालांकि जो नाराजगी है आपने कहा कि ठीक है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी जा रही है, ये एक सभी के लिए खुले तौर पर खुला मंच है जहां पर सभी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बूथ को मजबूत करने के साथ साथ आपको पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कम से कम उनको अपने भरोसे में लेना चाहिए, ताकि वो मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर खुले में आकर ये जिस तरीके से बयान देते हैं वो पार्टी के लिए नुकसानदेह है? देखिए, मैं पुनः वही बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़ा मंत्री हो, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, और उस नाते से उन्होंने रखा,
उन्होंने जो समस्याएं आपने मीडिया के माध्यम से सामने रखी उनका निराकरण किया गया, उसके बाद उन्होंने कोई समस्या नहीं रखी, शायद उनका समस्याओं का निराकरण किया हो गया होगा। जी आपके पास कि आपने कहा कि बूथ के कार्यकर्ताओं से लेके सभी लोग बंधे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास की गंगा बहाई है, उनके नेतृत्व को मानते हुए जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विकास कार्य किए हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, पूरे देश के कार्यकर्ता संगठन के साथ बड़ी मजबूती के साथ बूथ मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं। और 2019 में कहीं ऐसा ना हो कि सेना तो तैयार हो जाए लेकिन सेनापति ना हो। सेनापति है ना नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस थोड़ी है जिसका सेनापति नहीं पता। नहीं, कब तक आप महागठबंधन के चेहरे पर सेनापति नरेंद्र मोदी जी हैं? ठीक है, आप हरियाणा में भी तो चेहरा दे दिया ना जी, तो आप कब तक प्रधानमंत्री के चेहरे से आप इलेक्शन लड़ेंगे? या लोकसभा का चुनाव कैसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव तो मान्यवर सुमंदु जी नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे से ही लड़ा जाता है ना। विधानसभा के चुनाव का जिक्र, हरियाणा की विधानसभा के चुनाव वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो, और मुख्यमंत्री तो एक ही है ना आपके ध्यान में, वही बस, तो उनके नेतृत्व में चुनाव होना है, चेहरा बदलेगा तो नहीं ना कहीं। देखो ये विषय बिल्कुल भी लोकसभा चुनाव है उस पर आप फोकस रखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लोकसभा का भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, विधानसभा का भी। हाँ, चेहरा लोकसभा के लिए सबको पता है, देश को पता है, कांग्रेस को नहीं पता है कि उनका चेहरा कौन है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनावों के लिए हमारे सेनापति हैं, हमारे संरक्षक हैं। अच्छा योगी जी, बार बार ये सवाल मैं आता हूँ योगी, बार बार ये सवाल उठ जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं। हाल ही में जींद में जब उपचुनाव हुआ तो उस वक्त रणदीप सुरजेवाला का नाम बहुत ज्यादा उछला, ये कहा जाने लगा कि अब नया चेहरा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है जिसके नेतृत्व में सभी जो खेमे हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाया जा सकता है। तो क्या अब ऐसा कुछ होने जा रहा है कि बदलाव यदि हो तो रणदीप सुरजेवाला वो चेहरा हो जो सभी खेमों को एक साथ एक मंच पर लेकर आएंगे? देखिए वैसे तो पार्टी का इंटरनल मामला है लेकिन मैं पर्सनली जो आपको बताऊंगा वो सच निकलेगा आपके सामने। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला चेहरा नहीं बनेंगे, ये एक मेरे हिसाब से कांग्रेस की समझ में आ गया होगा कि ये उनकी बहुत भारी गलती थी, उन्हें उतारना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस जगह वो बैठे हैं वो इतने हाई प्रोफाइल हो गए थे वहां पे, और वो उस काम के लिए ठीक भी थे, बिल्कुल सही काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां उन्हें नहीं उतारना चाहिए था। वहां इनके अपने लोकल लीडर बहुत मजबूत हैं, अगर उन्हें उतारते तो मांगेराम गुप्ता जी हैं इनके, जो उतरते तो शायद हार जीत की तो मैं आज फिर बात नहीं कर सकता, पर वो एक बहुत अच्छी टक्कर देते। नंबर वन। नंबर टू, अभी भाजपा जो बात करती है कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ये भाजपा के खुद के बयान से प्रूव होता है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। आई मेक द रीजन, वो कैसे, ये जो चुनाव होता है ये चुनाव से पहले कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता कोई भी, ठीक है, चुनाव के बाद लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें से जिसको भी वो पार्टी का अपना वो मानते हैं लीडर उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और जो हारी हुई पार्टी होती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है जो भी पार्टी लीडर बनता है, ठीक है। लेकिन बीजेपी ये मान के चलती है कि हमने ये थोपना ही थोपना है, मैं इत्तफाक मान के चलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इत्तफाक, क्योंकि अभी नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं ये मान के चलता हूं, एक एजम्पशन है कि अगर मान लीजिए 225-200 के करीब बीजेपी की सीट्स आती हैं और लोग दूसरे जो भी सपोर्ट में आएंगे, मैं मानता हूं बीजेपी की सरकार बने, अगर सपोर्ट में जो आते हैं उनकी पहली कंडीशन होती है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में कि जी मोदी जी के अलावा दूसरा नाम दीजिए, तो क्या होगा? मींस बाय, क्या ये अडिग रहेंगे उस चीज पे कि हम अपनी पार्टी की प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान करते हैं? ठीक है ऐसा नहीं, लेकिन ये करेंगे, आप किसी और से पूछिएगा, ठीक है योगी जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं जी, अभी मुझे पूरा बोल लेना चाहिए। दूसरे मैं ऐसे ऐसे नाम गिना देता हूं, इस देश के अंदर अकेले एक एमपी थे वो यहां प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है, अकेले अपनी पार्टी के अकेले एमपी थे चंद्रशेखर जी। ये डेमोक्रेसी का मतलब ये है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि अगर आप एक भी हैं और आपको 374 चाहिए और वो सपोर्ट करते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। ठीक है जरा जवाब जल्दी से, फिर उसके बाद बिल्कुल जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। आप योगेश जी ने जो बात करी डेमोक्रेटिक, आपने गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी की बात की है कि एमपी चुने जाते, एमपी जब जीत कर आते हैं वो चुनते प्रधानमंत्री को, यहां भी ऐसा ही होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने
अपने मन से स्वीकारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। ठीक है, जरा आगे बढ़ता हूँ। 25 सितंबर 2000 योगी जी हो गया, अब जरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा कि एक एमपी वाली पार्टी भी पीएम बने थे। भैया देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, जो मायावती बार बार कह रही है इस बात का ध्यान रहे। मनीष खटाना जी बार बार ये सवाल उठ रहा है, कौन चेहरा हो, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी नीति के साथ मैदान में है, बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चल रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या हो रहा है, कुछ तैयारी है आगे चुनाव की? हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा और 10 साल के अंदर हरियाणा में जो नए आयाम स्थापित हुए, चाहे वे विकास के मामले में हो, चाहे वो आयात का मामला हो, चाहे निर्यात का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश का मामला हो, किसी भी मामले में आप चाहे गूगल पे सर्च कर लो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी सर्च कर लो, कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में मेट्रो का विस्तार कहां पर हुआ, केएमपी जो आज उद्घाटन इन्होंने किया है उसका कितने प्रतिशत काम कांग्रेस, मतलब कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव लड़ी। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सवाल आप सुनिए, आप गूगल खोलिए, आप समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप देखिए प्रति व्यक्ति आय में आज हरियाणा कहां पर खड़ा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कहां था, निवेश के मामले में हरियाणा कहां था, आज कहां खड़ा है। हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए तो कर्जा कितना था, आज कर्जा आपकी सरकार में कितना। अच्छा मनीष जी, अब एक मिनट, मेरा जो सवाल था मैं जरा वापस आपको उस पर ले आता हूं। सरकार में एक मिनट, जवाब दे तो दिया यशवीर जी, एक मिनट, ठीक है, मैं एक मिनट खटाना जी, यशवीर जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में स्थापित है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नहीं, ये मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीत कर हरियाणा में सरकार बना के देंगे। ये आपका मत है या पार्टी की तरफ से ये हुड्डा को ले आए? ठीक है यशवी, एक मिनट, एक मिनट, राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। मनीष खटाना जी, आप ये आपका अपना व्यक्तिगत मत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव अगला लड़ा जाएगा या फिर पार्टी की तरफ से स्टैंड है ये? देखिए व्यक्तिगत मत, जैसे हमारे भाई ने कहा कि आज भाजपा का हर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए हरियाणा, देखिए सर मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा की जनता के बीच में रहता हूँ, पूरा हरियाणा घूमता हूँ और गुड़गांव जिला जो कि हार्ट ऑफ द हरियाणा है, हर लोगों से मिलता हूँ। 36 बिरादरी में आना जाना है, 36 बिरादरी के जमीन चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, सबके बीच में बैठते हैं। आज हर व्यक्ति एक बात कहता है, हरियाणा के अंदर गुड़गांव से 19 बड़ी एमएनसी कंपनियां यहां से गुजरात शिफ्ट हो गई। नहीं, तो फिर डाइवर्ट हो गए, फिर आप डाइवर्ट हो गए। मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछा, मनीष खटाना, आज हरियाणा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? आप भी आ रहा हूं, क्यों लड़ा जाएगा? आप कह रहे हैं किसके नेतृत्व में, कह रहा हूं क्यों लड़ा जाएगा, क्योंकि आज हरियाणा की आवाज है, आज हरियाणा की जनता की आवाज है। ये आवाज, ये आवाज, ये आवाज कांग्रेस आला कमान तक पहुंच रही है क्या? हरियाणा का चुनाव क्या क्या ये आवाज कांग्रेस आला कमान तक भी पहुंच रही है? बिल्कुल, यदि यदि आप ये कह रहे हैं पहुंच रही है, बहुत जल्द आपको। मैं शुभेंदु जी इस बात का भी जवाब देना चाहूंगा, योगेश जी ने, देखिए नेतृत्व प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं, हालांकि अब क्लियर हो गया है कि उन्होंने बात हरियाणा की है। या तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है या नेता प्रतिपक्ष कोई होता है, दोनों में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है नहीं। और कुछ पता नहीं है कि अगले चुनावों तक वो बाहर रहेंगे या जेल में होंगे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के उनके ऊपर केस चल रहे हैं और कोर्ट में लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने एक काम करा है, अगर कोई सड़क से आदमी जा रहा है उसको उठाओ, देशद्रोह का मुकदमा उस पे लगाओ और उसको कितने लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया बता दीजिए। 70 साल में इतने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इतने 4 साल में इन्होंने जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनपे तो देशद्रोह के मुकदमे हो नहीं पाए अभी तक, देशद्रोह के मुकदमे। ठीक है, जरा सुखबीर जी को भी शामिल करते हैं। सुखबीर जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा बहा दी, तो इन्होंने बहाया क्या है? जो इस देश के करदाताओं ने जो पैसा दिया उस पैसे को बहुत बुरी तरह से बहाया है विज्ञापनों में अपना नाम चमकाने के लिए, जिसका कहीं इस विकास से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक योजना शुरू करी थी हरियाणा से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका हसर यह 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, एक 9th क्लास की बच्ची के साथ आपके हरियाणा प्रदेश का एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल दुराचार अनाचार करने का प्रयास कर रहा है और किया है। उसी दिन की एक और, एक 9th क्लास की ही बच्ची के साथ उसकी मां की मौजूदगी में एक एंटी सोशल एलिमेंट उसके साथ दुराचार करने को, तो ये तो, और ये गंभीर सवाल है। इन सवालों के जवाब सवालों का मैं जवाब यशवी जी से लेंगे, लेकिन आज का जो विषय है
मैं सुखबीर जी, मैं जरा आपको फिर से वापस डाइवर्ट हो रहे हैं, आज के विषय पर ही आपको लेकर आता हूं। आज आज का विषय, आज का विषय पार्टियों की नीतियां ही हैं, बूथ और वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी की भी नीति क्या है, आपकी पार्टी की नीति क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल जो अभी तक वो डिलीवर करने नहीं, जो अभी तक जो एक साथ थी, अब जननायक जनता पार्टी से के अलग होने के बाद आप जो सवाल करेंगे, मैं सारे सवाल का जवाब, मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। नहीं तो ये तो वही हो गया कि सवाल चाहे कोई भी पूछे, जवाब मेरा एक ही है। आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं, हरियाणा महिला अपराध में नंबर वन है। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप नहीं, आपके मैं कह रहा हूँ कि इन सवालों के जवाब हम ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नीति क्या है? आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी तो सवाल उठ रहे हैं। आप बताएं क्या नहीं, आपकी पार्टी की क्या अभी तक नीति है, किस पार्टी, आपने क्या कदम उठाया, या फिर मैं, ये तो खैर पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या संगठन को मजबूत करने, जननायक जनता पार्टी अलग हुई, पार्टी स्टैंड कर पा रही है, जो अलग होना था वो जिक्र करने का नुकसान हो रहा है। आप नुकसान तो हुआ ना, आप ये मान रहे हैं? नुकसान फायदा कल हरियाणा प्रदेश की जनता तय कर देगी। कल हमारी हांसी में जन अधिकार रैली है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की मौजूदगी में, हरियाणा प्रदेश की जनता कल तय कर देगी कौन क्या है, क्या हमारे मुद्दे हैं, क्या हमारा प्रदेश के लिए संकल्प है। चलिए योगेश जी, नजर आ रहा है कुछ नीति है जननायक जनता पार्टी के अलग होने के बाद हम ये मानकर चल रहे हैं, और जिस तरीके से जींद उपचुनाव के अंदर परफॉर्मेंस रही जेजेपी की, तो और आईएनएलडी का जो वहां पर ग्राफ नजर आता है, आने वाले चुनाव में कुछ स्थिति दिख रही है, कुछ आईएनएलडी और जेजेपी को अगर आप बात करते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दोनों को नुकसान हो चुका है, और इसको भरपाई कौन कैसे करेगा ये मालूम नहीं। लेकिन मेरा एक अटूट मानना भी है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब खड़े होंगे या खड़े होते हैं तो उनके एक व्यक्तित्व में एक ऐसा दम है कि वो लोगों को शायद जोड़ लें, वो जोड़ के मजबूत तो कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता कि वो जीतने की स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि जेजेपी बहुत ज्यादा डैमेज कर चुकी है। नंबर वन, नंबर टू क्या है कि इनके साथ जो मायावती जी की पार्टी जुड़ी थी, ठीक है, बीएसपी ने एकदम दामन छोड़ दिया है, तो बीएसपी का हरियाणा के अंदर कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, पर 5-6% के करीब उनका वोट बैंक है, जो कि विधानसभा में एटलीस्ट वो हार जीत का फैसला कर देता है 6-5 हजार से, क्योंकि कई सीट जो है हम 1-1, 2-2, 3-3 हजार से हार जीत होती है, तो उनपे उनका जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो इन्होंने छोड़ के चला गया है। अब जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट आज तक बीजेपी के साथ मिलके ही ये लोग लड़े हैं, और जब मिलके लड़ते हैं तो इनको 1-2 सीट मिल जाया करती हैं, जीत जाया करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 6 बीजेपी जीती और 4 जो हैं वो ये लोग जीत गए, ऐसा भी हुआ है, बट आज के दिन बीजेपी के साथ तो ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अब नहीं रखेगी साथ, क्योंकि उनको नहीं, आज के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी तो बीजेपी की बगल में बैठे हैं वो लोग बता सकते हैं, तो बीजेपी परफॉर्मेंस इसके पीछे एक आधार है। रीजन इज वेरी क्लियर, आज के दिन मोदी जी का जो है वर्चस्व जो इन्होंने बनाया है अपना हिंदुस्तान के अंदर, वो अपने उसी दम पे लड़ेंगे, और मोदी जी इज ए ब्रांड टुडे, वो एक ब्रांड हिंदुस्तान का बन चुके हैं आज के दिन, इतनी उनको इतना कोई सोच ही नहीं सकता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कई और जगह छोड़ के वो अपने अकेले ना लड़ जाएं, जैसे पंजाब में, पंजाब में आपने ये एक न्यूज दिखाई थी मुझे, वो न्यूज क्यों दिखाई आपने, क्योंकि उनको ये लगा कि विधानसभा में वो गलती कर चुके हैं, अगर विधानसभा में वो अकेले लड़ते बीजेपी इससे ज्यादा सीटें होती उनकी गारंटेड, अब अगर ये अकेले लड़ेंगे मेरी गारंटी है अकाली से ज्यादा सीट लेंगे ये, ठीक है, तो मोदी, अच्छा दिल्ली में तो उनका कोई है ही नहीं, उसके अलावा वहां पे उन्होंने सिर्फ बिहार के अंदर हल्का सा कंप्रोमाइज किया है, और वो भी मजबूरी थी, वहां उनके साथ कोई था नहीं, अदरवाइज यूपी में देखिए वो छोटे मोटे दल है उनको छोड़ ही चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनमें उन वो रहे ना रहे उनको कोई ओवरऑल तो यूपी में फर्क पड़ने वाला नहीं, वो उनको एक सीट क्यों दे। अच्छा, एक और भी चीज है, मैं जरा यशवीर जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जब दोपहर के लिए दोपहर बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जब मीटिंग हुई सुभाष बराला और जो पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात जब हुई, तो उसमें कहा जाने लगा, ये कुछ जानकारी निकल कर सामने आई कि जो दूसरे दल हैं उनसे जो मौजूदा वक्त के विधायक हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। मैं क्या उसके बारे में आपकी बात का भी जवाब दूंगा, योगेश जी की बात का भी जवाब दूंगा, हमारे भाई साहब बैठे हैं इनेलो वाले, इनके भी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको योगेश जी जानकारी डाल दूं कि जो आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आज दिन में अमित शाह जी के नेतृत्व में बैठक हुई है पंजाब की, और 10 और 3 जो पहले से हमारा 2014 में चलता आ रहा है उसके नाते से निर्णय फिर से हुआ है कि 10 सीटों पर अकाली दल लड़ेगी और 3 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, जैसे 2014 में लड़ा था। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि भाई देश का पैसा,
पानी की तरह बहाया जा रहा है। देश का पैसा 10 साल पानी की तरह ही बहाया गया, जिस प्रकार से मेहुल चौकसी को लोन दिया गया, जिस प्रकार से विजय माल्या को लोन दिया गया, जिस प्रकार से अन्य मैं विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ चौकसी में चले गए, बता दिया आपने सारे पूरी, मैं बताऊंगा उसको जो आप विज्ञापन में जो पैसा खर्च हो रहा है उसका जवाब दे, बात का जवाब दे रहा हूँ, जो हर हर वक्त विज्ञापन हर बात का जवाब ही नहीं, कहाँ चौकसी में चले गए, जो पैसा मेहुल चौकसी जैसों को वापस लाकर पैसा माल्या को आपने भगाया, लग रहा है आपकी सरकार ने भगाया, वो रो रहा है कि जितना पैसा लिया था लोन से उससे ज्यादा तो वसूल कर लिया, अब तो छोड़ दो सारा पैसा वसूल भगाया किसने था, क्या हो रहा है भगाया किसने था, और उसको लाने के लिए कितना पैसा खर्च हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है, भागेगा कुछ नहीं हुआ है, नहीं नहीं जो जो माल्या, अच्छा देखो मजे की बात शुभेंदु जी, मजे की बात देखो भाई, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, पेट में दर्द किसके हो रहा है, इन लोगों के, वहां कहीं महागठबंधन यहाँ बनेगा, मैं खटाना जी बधाई देता हूँ आपको, यहाँ प्रयास कीजिए, यहाँ प्रयास कीजिए, महागठबंधन यहाँ बन सकता है, ठीक है, जेजेपी के टूटने के बाद हालत खराब है इनलो की, कांग्रेस के साथ जा सकती है, बेशक कांग्रेस ने देवीलाल चौटाला साहब को जेल में ठूसा था, पर ये जा सकते हैं दिख रहा है, अरे मैं जब कांग्रेस पे आरोप लगा रहा हूँ, मनीष जी को बोलने दो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो, अरे मनीष चलिए ठीक है जरा जरा ठीक है, दूसरी बात जवाब दे, अभी आप अभी कह रहे थे कि मुझे जाने से जेजेपी भैया जेजेपी की चिंता करो, अगली बार इन एलो वालों को बुलाएंगे भी नहीं डिबेट में, चौथा व्यक्ति को बुलाएंगे तो जेजेपी का ही आएगा, वो भी देखते हैं किस दल मजबूत है उसको बुलाया जाए, इसलिए चिंता उनकी भी करो, आप बार बार कह रहे हो कि हमें चिंता नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है, ये तो खैर समय बलवान है, जनता बता देगी, जवाब दे देगी, ठीक है मनीष मनीष जनता समय पे बता देगी मौजूदा वक्त में, ठीक है मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस की स्थिति है, मजबूत करने के लिए गठबंधन की तरफ भी क्या कोई कदम आगे बढ़ेगा प्रदेश में? हरियाणा में कांग्रेस की गठबंधन का मुझे नहीं लगता, हरियाणा में हर आदमी भाजपा की जो 4.5 साल का यहाँ कार्यकाल रहा, जिस तरीके से बदले की और बदले अदला बदली की सरकार रही, बदले की भावना से और इनकी नीति और नियत में जो फर्क रहा, लूट झूठ की जो इन्होंने राजनीति करी, जिस तरीके से हरियाणा को 4 बार जलाने का काम करा, 4 बार पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर आई, 35 बिरादरी का नारा इस सरकार ने लगाया, भाईचारे को खत्म करने का काम किया, यहां से रिवेन्यू सबसे ज्यादा उगाया गया और रिवेन्यू जो कंपनियां देती थी उनको गुजरात शिफ्ट कराया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया उसका यहां पर खात्मा हुआ, और सबसे चरम सीमा पर आज क्राइम रेट पहुंच गया, बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर पहुंच गया, खिलाड़ियों के सम्मान की बात करें तो आज सम्मान देने के लिए बुलाते हैं पंचकुला, अगले दिन कैंसिल कर देते हैं, छोटे व्यापारी का दुकानदारों का सबका काम यहाँ ठप हो चुका है, यदि यदि ऐसी स्थिति है तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिल रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नहीं बेनिफिट इसका, देखिए फिर आप मैं फिर वही बोल, ये आप बार बार कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो मैं फिर वही पूछ रहा हूँ कि क्या नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर? 100% ये पार्टी आलाकमान की तरफ से निर्धारित किया गया? नहीं, ये हरियाणा की जनता की आवाज है, हरियाणा की जनता की आवाज पार्टी आलाकमान सुनेगी। नहीं अभी 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 यानी कि फाइनल नहीं है, अभी फाइनल नहीं है, छत्तीस बिरादरी की आवाज है, मजदूर की आवाज है, व्यापारी की आवाज है, किसान की आवाज है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो क्या आलाकमान मान रही है इस बात को? जी आप इस बात को मान रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए इस बात को आलाकमान भी समझ चुका है, हरियाणा समझने की बात नहीं है, निर्देश कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ चुका है कि हरियाणा में सरकार को लाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना पड़ेगा। योगेश जी देखो ये पशुपेश, पहले एक बात देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये साबित भी किया है, जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला की लुटिया डुबोई है ना जींद में, उन्होंने साबित कर दिया है कि भैया मैं किसी और को नहीं बनने दूंगा, मुझे बनाओ, तो इसलिए मनीष जी भी शायद हो सकता है अपने अध्यक्ष बन चुका होता, नंबर वन पार्ट। नंबर टू पार्ट, जहां तक इलेक्शन के बारे में बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, इस देश में दो वजह से वोट डलती है, जिनमें से सबसे बड़ी वजह होती है इमोशनल ग्राफ, आप लोगों का कहां और किस मुद्दे पर रखते हैं। अब थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले जाइए तो बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये आपकी इसी जगह पे बहस होती थी, उसके बाद राम मंदिर तो या हिंदू मुसलमान तो खैर पूरे 4 साल चलता ही रहा है, तो वो हिंदू मुसलमान और या राम मंदिर जो है वो एक इमोशनल वोट का तो, के लिए था। अब एक सेकंड, लेकिन अब जो इमोशनल ग्राफ जो है लोगों का वो
ऐसी जगह चला गया है जहां से किसी तीसरी बात का डिस्कशन ही नहीं होता है। लेकिन इसका, इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चयन को लेकर कहां इसमें बात नजर आती नहीं, है? नहीं नहीं मैं इंटरनेट मैं अपने जो सारी इनकी जिनकी जिनकी पॉलिटिक्स इर्द गिर्द घूम रही है ना उसी के इर्द गिर्द मैं सारी की सारी ताना बाना जोड़ के और उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। हुड्डा जी का ये मामला है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हो सकता है मेरे बीजेपी के भाई को शायद बुरा लग जाए या इनेलो को भी, मैं मेरा अपना पर्सनल फीलिंग ये है अगर 1:1 जैसे ये मोदी जी से टक्कर लेने की बात करते हैं कि मोदी जी से राहुल गांधी टक्कर ले ले या एक्स वाई जेड ले ले, अगर 1:1 फाइट हरियाणा के अंदर हो जाए तो आज के दिन हुड्डा जी नंबर वन है। चलिए कोई माने ना माने कांग्रेस को मानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का अपना चर्चा में समय देने के लिए। लेकिन आगे आने वाली नीति अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या होगी और किस नीति के तहत तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये भी देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।